आज अभी दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली द कैमरा यू कैन सी यू डोंट नीड टू सी इन दिस बिग कार एनीवेयर एल्स देन दिस स्क्रीन एनीवेयर जी आज नहीं अब टेम्परेचर कम करो ना इसी तौर पर कौन होता है आज ना हमारे पास काफ़ी अच्छा सन निकला हुआ है हम लोग इस वक्त निकल पड़े हैं अभी उष्णा म्यूजिक चलाते हैं सिर्फ एक मिनट ठहर जा हम लोग इस वक्त निकल चल पड़े हैं एक हमने क्या करना था ना मामू को लेना और उसके बाद फ्रेंड की तरफ जाना और उसके बाद हमने फिर इंडियन स्टोर और फिर अफ्तारी और उसके बीच में अगर मेरे पास टाइम निकला तो मैंने ई नेट जाना है कंप्यूटर की कोटेशन लेने के लिए क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि दोस्तों क्योंकि मैंने देखा कि जी मेरा जो सा कंप्यूटर है वो काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है तो मुझे उसे अपग्रेड करना और मैंने जो एस्टिमेट लगाया है सना को भी नहीं पता लेकिन 19,000 क्राउन बन रहा है सना इट इज 19,000 क्राउन बट दैट कंप्यूटर इज गोना बी फॉर नेक्स्ट 10 years आई वुड से यार आज सही समर वाली फीलिंग आ रही है असल में मैं वो लगा के नहीं आया खोलो अगर खोल ली तो खोल गई मेरे तो आज सही समर वाली फीलिंग आ रही है सॉरी यार मैं ना वो अपना एनडी फिल्टर नहीं लगा के आया इसलिए इट्स नॉट अ वेरी नाइस कैमरा टू क्या मैं अपने ग्रीन के ऊपर ही आया हूँ नाइस कैमरा टू गो फॉर एनीवेयर जी आपको अपडेट करते रहेंगे आज का दिन काफ़ी लंबा है और हाँ ये भाई जी ने गाड़ी लिया है कितने का लिया उन्होंने मैंने आ रहा है इनके पास किसी दिन टाइम निकाल के रमज़ान ख़त्म होता फिर आता हूँ एनीवेयर जी आज का दिन काफ़ी लंबा है आपको ना इंडियन स्टोर भी दिखाएंगे थोड़ा सा और कोशिश करेंगे अगर हमने गोश्त सा ना लेना आज पूछ रहे थे गोश्त की क्या प्राइसेस चल रही मैंने वैसे तो बता दिया तो लेकिन हम लेके रखे काम में और अब गर्मी काफ़ी हो चुकी हुई है चले आपको अपडेट करते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ये एक इंडियन स्टोर का नाम है लेकिन ये पाकिस्तानी ओनर है मेरे ख्याल से मालमो से अच्छा बेसन कौन सा लेना है ये हो गया जी दाल आ गई आपके पास उसकी पान मसाले की आ रही है ना जीरा इतना बड़ा जीरा क्या करना है चार किलो यार कढ़ाई नहीं आई यहाँ पे यही है बस यही कोरिएंडर ये पड़ा नीचे नहीं ये मिक्स है गरम खाली ठहर जाओ इधर बड़ा पैकेट पड़ा होता है यार एक ये ले एक पैकेट और एक ही जीरे का होल धनिया ये हो गया इतना ज्यादा जीरा हाँ ये लो लो जी गरम मसाले का सामान आ गया 55 और 80 का ये है सफेद जीरा हल्दी हल्दी आ गई ये बड़ी हल्दी है इतनी बड़ी नहीं बड़ी नहीं हल्दी क्या करनी है थोड़ी छोटी बल्कि ये लेना है चलो हल्दी नहीं चाहिए मुझे अच्छा 15 क्राउन मसाला सा प्राइस भी बताता जा रहा है ये मसाले हैं यार सारे अजवाइन अनारदाना ये ना मीट टेंडराइजर होता है जैसे चांपे बनाते हैं ना उसमें डालते हैं नहीं 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 कोई कोई नहीं चाहिए चाहिए मैं बस गल जाती हूँ चांपे क्या है अनारदाना अनारदाना और अजवाइन और कलौंजी यार बहुत मुश्किल मसाले लेके आई हूँ यार सुना तू अनारदाना कलौंजी ब्लैक कलर कहाँ पे अभी अजवाइन ये तो नहीं है नहीं ये तो
यार ये अमरनाथ दाना और कलौंजी में फंस गए इस वक्त। मैं आप लोगों को बाकी थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ बड़ा क्विकली। ये जिधर आपके पास सारी की सारी वो पड़ी हुई हैं, कैचअप्स वगैरह चटनियाँ वगैरह सारी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी सारी की सारी कैचअप्स हैं आपके पास। काफ़ी आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी इस वाले स्टोर में, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास जो आप चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक कबाब है जो कि 120-100 स्टूडेंट के लिए, या आप अगर जॉब कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप एक दो कबाब अपने साथ ऑफिस वगैरह ले जाएं। और उसके साथ आप जो मिक्सचर कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको समोसे भी बड़े मज़े के मिल जाते हैं। ये दिस इज़ रियली रियली गुड वन, 150 के आपको 20 समोसे हैं इसके अंदर। फिर बारबेक्यू हुआ हुआ आपको फ्रीज्ड ये मिल जाता है, टिक्का वगैरह, पंजाबी समोसा वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास ये होल रेंज ऑफ पराठा पड़ी हुई है। ठीक है जी, आप पराठा, तो आप अगर स्टूडेंट हैं यहाँ पे और अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं और आपके पास बड़ा क्विकली आपने अपने लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करना, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। ऑफ कोर्स इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप यू शुड नॉट बी ओनली ईटिंग दिस, दिस इज गुड क्विक वन। तो आपको पराठा जो सा है, ये आलू वाले पराठे हैं इसके अंदर, तकरीबन कोई 16 पराठे हैं 75 के। अब मुझे आप लोग स्टॉकहोम में हैं या बाकी किसी और सिटीज़ में हैं तो आप मुझे बताएं कि उधर क्या प्राइसेस चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस वाले स्टोर की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, ये इंडियन फूड स्टोर। यहाँ पर आपके पास अचार सारे पड़े हुए हैं, 40 ग्राम का ऑलमोस्ट हर किस्म का अचार यहाँ पर आपको मिल रहा है। बहुत सारे मेरे स्वीडिश दोस्त हैं उनसे हैं, उनको ये पिकल अचार बड़ा अच्छा लगता है। और ये इधर एक होगा मिर्चों वाला, सना अचार लेना कोई, एक्सक्यूज मी। और ये आपके पास सारे यहाँ पे मसाले हैं, हर किस्म का आपको मसाला यहाँ पे मिल जाएगा, 20 ग्राउंड से लेके 15 ग्राउंड 10 ग्राउंड तक आपको हर किस्म का मसाला। क्या वो मिली है अजवाइन? ओके फाइनली सना निहारी और नेशनल का नहीं, इनका शाम सिंधी बिरयानी ये ठीक है। इसमें दो हैं और क्या है, निहारी निहारी यार निहारी नहीं मिल रही हमें। सना आज तुमने सारी चीजें हमेशा हमने नेशनल का लेके जाते हैं मसाला। नहीं शान की नेशनल का कौन सा का अच्छा नेशनल? ये नेशनल देखो हमेशा ये लेके जाते हैं, ये बिरयानी। चलो वो दे दो। नहीं ये ले लो, अब ये कभी नहीं हमने ट्राई की, ये पुलाव बिरयानी है। नहीं ये चिकन बिरयानी लो ना, मसा माले चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी हमने ले ली है ना, बस ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन सी। नहीं नहीं निहारी, सिंपल निहारी लो आप। निहारी में इस वक्त हम काफी ज्यादा बुलाऊं फिर भाईजान को इधर से, हालांकि एक एक करके पढ़ते जाओ ना आपको पता लग जाएगा निहारी निहारी। ये मिल गया, दो ले ले, ये दो ले, वेरी गुड हो गया। जो मेरी लिस्ट थी उसकी चीजें तो हो गई है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, उधर फ्रोजन चीजों में तो कुछ लेना, समोसे वगैरह, अंदर हल्दी सतावी का बिरयानी निहारी मादाना ब्लैक पेपर अजवाइन और प्याज, ब्लैक पेपर ये है, होल ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर है। कितने की है, कितना है ये? 300 ग्राम ये ले लेते हैं। 25 का कितने ग्राम आ गया जी तेरे पास? 100 ग्राम तो वो सस्ता था। वैसे हम नहीं करते ये, वो नहीं करनी, क्रश नहीं करनी। चलो आ जाओ। अच्छा इधर देख लो आप अपना, यार यहाँ पर ना एक हरी मिर्च मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई कैन फाइंड इट हियर। अच्छा यहाँ पर इनके पास सब्जियाँ वगैरह जो उनसी है ना वो अवेलेबल है। ये पाकिस्तान का कच्चा ये नहीं आ रहा, ये करेला आ गया पाकिस्तान का, 110 केजी है। भिंडी आ गई है,
ठीक है जी 69 की केजी। और ये वाली मिर्च मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 69 की केजी। Don't know the value of food. I know. If they knew the value of food, they would never call it shit. Take care. Wish you a pleasant day. अब इसको कवर अप करते हैं। ये इंडियन स्टोर है, आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, चावल वगैरह और आटा वगैरह भी यहाँ पे आगे जाके अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा कुछ। ये सारे के सारे चावल यहाँ पे अवेलेबल है। ये करून हम लोग यूज़ कर रहे हैं, द बेस्ट चावल कौन सा। इसके बाद ये आटा, दिस इज़ द बेस्ट वन। और ये मैं कोई, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो बाकी आप देख सकते हैं। ले यार आगे कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। मैं सना को ढूंढूं जाके किधर गए, मेरे ख्याल से तो सना क्या आप चलें यार। इमली ले लूं। इमली क्या करनी है, चटनी बनाने के लिए। पूरा आधा रमजान गुजार दिया, अभी तक चटनी नहीं तूने बनाई। नहीं, मीठी चटनी वैसे बनाने की। चलो ले लो फिर। गुड़ गुड़ यार सना, बच्चे बाहर बैठे हैं गाड़ी में, चल चल आगे देखते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं ना पाकिस्तान नहीं, इंडियन फूड स्टोर पे हूँ सिंगल में। ये हमारे भाई हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका। शहबाज खान। शहबाज खान ये यहाँ पर जॉब करते हैं और ये हमेशा ना वीडियो शीडियो देखते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये बंदे मसाले ले लिए अभी, काफ़ी रमज़ान बिजी जा रहा है। बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चले यार कुछ कहना तो कह दें। बस रमज़ान जा रहा है, बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग की दुआ से आप लोग इधर आते हैं, शादी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देसी लोग आते हैं इधर शादी, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ले यार अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। नहीं नहीं अभी आगे मेरा व्लॉग कंटिन्यू होगा। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं एक ओरिएंट हाउस में। ये ओरिएंट हाउस बोलते हैं उन सारी शॉप्स को जहाँ पर आपको ओरिएंटल फूड मिल जाते हैं, ऐसी बात है ना। और इस वक्त हम लोग एक शॉप में आए हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर, जहाँ जिसमें पहले गए थे वहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तानी फूड ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पर आपको चाइनीज ओरिएंटल फूड, यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर आपको ना जो सा है ओरिएंटल फूड आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको अरबियों का डोमिनेटेड स्टोर्स हैं ये स्वीडन के अंदर। इनकी ओपन टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक। और चलें, ये इनकी शॉप का नंबर है। हमने यहाँ से क्या लेना है, गोश्त। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पर ये एक ब्रेड है, इसको लीबा ब्रेड बोलते हैं। ये इधर गौतमबुद्ध में बन रही है, हर सिटी के अंदर। ये हमने स्टूडेंट टाइम में बहुत ज़्यादा खाई हुई है, क्योंकि ये आप ला के रख लेते थे, सालन जो भी बना लेते थे उसके साथ आप ब्रेड खा लेते थे। आ जा सना, हम सीधा ना हम सीधे चलते हैं गोश्त वाले एरिया में। तो हलाल गोश्त का अगर आपको है कि जी आपको हलाल गोश्त कहाँ पर मिलेगा, तो ये सारा का सारा गोश्त का एरिया बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास हर किस्म का, नहीं ये मिठाइयाँ यहाँ पे लगी हुई सारी की सारी मिठाइयाँ। ये आपके पास चिकन है, विंग्स 42 के किलो है, 95। ये इन्होंने भी रोस्ट करके रखा हुआ मीट यहाँ पे। ये आपके पास सारे का सारा गोश्त की प्राइस, जैसे गर्दन आया 145। और ये आपके पास बीफ आ जाएगा, तो तकरीबन 120 से लेके 150 तक आपको मटन जो सा वो मिल जाता है। तो ना मटन की प्राइसेस ना यहाँ पे भी बढ़ी हैं,
इन्फ्लेशन में पूरी दुनिया में हो गई है। इन्फ्लेशन की वजह से मटन की प्राइसेस बढ़ गई हैं स्वीडन में। तो यार ये, हाँ ये वाला चिकन जो सा, इट्स ए वेरी वेरी गुड वन, यू कैन एक्चुअली बाय। कैसे खुलेगा ये? हाँ ये आपका चिकन सलाद वगैरह सैलड वगैरह के साथ बड़ा अच्छा ये यूज हो जाता है, और जैसे हम पिज़्ज़ा में डालते हैं ये आपके विंग्स वगैरह फ्राई करने के लिए। ठीक है, ये 165, ये 219 का है। नहीं नहीं नहीं, हमने लेग पीस ही लिए हैं। हाँ ये चिकन्स हैं, ये विंग्स हैं, अगर बच्चों ने वो जो हम विंग्स खाने, लेकिन हम इसी तरह के लाते हैं ना बच्चों के दूसरे वाले विंग्स। ये जो विंग्स है ना आप, ये वाले विंग्स आपके बड़े अच्छे, ये वाले, ये भी और ये भी एयर ड्रायर में बन जाते हैं, हम लोग घर में एयर ड्रायर में बनाते हैं इनको। तो सना आप मीट ले लें, ले यार मैं ज़रा मीट शीट ले लूँ थोड़ा सा, तो फिर हम करते हैं बात। नंबर लैप है, आपने अपना नंबर लिया 217 के ऊपर आपका नंबर आ जाए। कीमा ले ले, नहारी का बड़ा गोश्त तो बड़ा हुआ, लेकिन ना हड्डियाँ, हड्डी वाला नहीं है यहाँ पे गोश्त, पूछ लेते हैं उससे। लें जी, ये था आज का व्लॉग, और इसमें आपको होपफुली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बीच में कहीं पे कैमरा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हुआ हुआ था, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरा ये वाला छोटा सा एनडी फिल्टर नहीं था उस वक्त में। एनीवेज जी, ये देखें ना, अगर एंटी फिल्टर होता। एनीवेज जी, आपको होपफुली ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये मैंने कहना था कि जो लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैं ऐसा मीटिंग बुक करना चाहते हैं, मैं आई एम सॉरी, आजकल मीटिंग नहीं बुक कर पाता क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। लेकिन आप अपने क्वेश्चंस लिख देंगे अगर कमेंट्स में, तो जिस दिन मैं कमेंट्स का क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करूँगा तो आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।